हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है जीके ज्ञान कैप्सूल। इसमें मैं आपके जीके के कंटेंट लेके आऊंगी जो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होंगे। आज मैं आपके जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ। अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, आप उसे देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे भी मैं आपके ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो लेके आई थी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मई मंथ के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 20 मई तक के इंपॉर्टेंट डेट्स थे, इसको 21 से 31 मई के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। मैं इसका क्विक रीजन कर लेती हूँ, आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा। 21 मई को नेशनल एंटी टेररिस्ट डे, डेथ एनिवर्सरी ऑफ लेट पीएम ऑफ इंडिया राजीव गांधी। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 24 मई को कॉमनवेल्थ डे और 31 मई को एंटी टबैको डे। चलिए फ्रेंड्स, अब जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न कृषि, प्रकृति या निर्मित उत्पाद को क्या कहा जाता है? तो जब कोई प्रोडक्ट किसी डेफिनेट जियोग्राफिकल टेरिटरी से ओरिजिनेट होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, चाहे वो नेचुरल है, चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड है, तो फ्रेंड्स उसे कहा जाता है जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन उस जगह का। तो याद रखिएगा, किसी पर्टिकुलर जगह से जब कोई प्रोडक्ट आता है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो नेचुरल है, चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड है, उस जगह पे तो उसे कहा जाता है भौगोलिक संकेत। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेत टैग किस अधिनियम के अनुसार दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंदर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, जो भौगोलिक संकेत टैग है वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंदर दिया जाता है, के अनुसार दिया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? तो भारत में जीआई टैग इशू करता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। तो याद रखिएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो है वो जीआई टैग इशू करती है इंडिया में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई अधिनियम किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? तो जीआई एक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क द्वारा। तो याद रखिएगा, जीआई एक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क द्वारा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट है जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था वो है दार्जिलिंग टी, और 2004 में ये टैग इसे दिया गया था। दार्जिलिंग टी जो है वो वेस्ट बंगाल की है। और फ्रेंड्स, जो ये चंदेरी साड़ी है जो मध्य प्रदेश की है, मैसूर सिल्क कर्नाटका का, अलाहाबाद का सुरखा अंगूर जो उत्तर प्रदेश का है, इन सबको भी जीआई टैग मिल चुका है। पर जो सबसे पहले जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग टी को मिला था जो वेस्ट बंगाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई टैग कितने वर्षों के लिए वैध होता है? तो जीआई टैग की जो वैलिडिटी होती है वो 10 साल की होती है। अब 10 साल के बाद फिर रिन्यू करना पड़ता है, तो हर 10 साल में से रिन्यू करना पड़ता है, तो इसकी वैलिडिटी जो होती है जीआई टैग की वो होती है 10 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई शिल्प और भारत की विरासत को बढ़ावा देने के लिए लगाई जाने वाली प्रदर्शनी को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जो एग्जीबिशन लगाई जाती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्राफ्ट एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया को प्रमोट करने के लिए वो होती है कला कुंभ। याद रखिएगा, कला कुंभ लगाया जाता है जिसमें जीआई शिल्प और भारत की विरासत को बढ़ावा देने के लिए ये प्रदर्शन लगाई जाती है, जिसे कहा जाता है कला कुंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में बंगाल के रसगुल्लों को भौगोलिक संकेत टैग मिलने के उपलक्ष्य में वर्ष के किस दिन रसगुल्ला दिवस या रसगुल्ला दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर को जो बंगाल का रसगुल्ला है उसे भौगोलिक टैग मिला था, तो इस दिन इसीलिए रसगुल्ला दिवस या रसगुल्ला दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 14 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के किस कृषि उत्पाद ने जीआई टैग हासिल किया है? तो आंध्र प्रदेश का कौन सा जीआई टैग कृषि उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 1 और 2 दोनों। तो गुंटूर सनम मिर्ची और जो अक्रू वैली अरेबिक कॉफी है, दोनों को ही जीआई टैग मिल चुका है। और फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के 18 प्रोडक्ट्स को अभी तक जीआई टैग मिला है। उनमें से जो 14 है वो हैंडलूम प्रोडक्ट है, हथकरघा प्रोडक्ट है, और 2 जो है खाद्य प्रोडक्ट है, तिरुपति लड्डू और बंदन लड्डू।
तो अभी तक आंध्र प्रदेश के 18 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई टैग इडू मिशमी टेक्सटाइल किस राज्य का उत्पाद है? तो इडू मिशमी टेक्सटाइल जो है वो है अरुणाचल प्रदेश का। और फ्रेंड्स अभी तक अरुणाचल के दो प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, एक तो इडू मिशमी टेक्सटाइल और दूसरा है अरुणाचल ऑरेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनी और खोला मिर्च किस राज्य के केवल दो जीआई टैग उत्पाद है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है गोवा। तो जो फेनी और खोला मिर्च है वो गोवा के जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है। तो अभी तक जियो के दो प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, फेनी और खोला मिर्च। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के जीआई टैग किए गए कितने उत्पाद है? तो अभी तक उड़ीसा के कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 17। 17 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है और फ्रेंड्स 17 में से 14 जो है वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है और जो बाकी है 3 प्रोडक्ट उड़ीसा के रसगुल्ले, जो खाद्य सामग्री प्रोडक्ट है और जो कृषि के हैं वो गंजम केवड़ा फूल है और जो निर्मित किया जाता है वो गंजम केवड़ा फूल से रस बनाया जाता है, जूस बनाया जाता है, किसे कहते हैं गंजम केवड़ा रू, तो ये निर्मित किया जाता है और तीनों को ही जीआई टैग मिल चुका है। तो याद रखिए उड़ीसा के 17 प्रोडक्ट्स को अभी तक जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जीआई टैग किए गए कितने उत्पाद हैं? तो फ्रेंड्स राजस्थान के जो जीआई टैग जिन्हें मिल चुका है वो है 13 प्रोडक्ट्स और इसमें से जो 11 प्रोडक्ट है वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है और जो एक है वो प्राकृतिक सामान है, जो मकराना मार्बल जो वहाँ नेचुरली मिलता है और एक वहाँ बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है बीकानेरी भुजिया, तो इन दोनों को भी जीआई टैग मिल चुका है। तो 13 प्रोडक्ट राजस्थान के अभी तक जीआई टैग हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जीआई टैग उत्पादों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जीआई टैग किस राज्य को मिल चुके हैं अभी तक? तो फ्रेंड्स वो है कर्नाटका। तो सबसे ज्यादा कर्नाटका को मिला है और फिर दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा है कर्नाटका और सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु जिसे जीआई टैग मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तंजावुर नेति काम और अरुम्बा वो नेति लकड़ी की नकाशी को जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये जो तंजावुर नेति काम और अरुम्बावर वुड कार्विंग है वो है तमिलनाडु के, इन दोनों को ही जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो फ्रेंड्स मणिपुर का जो प्रोडक्ट है वो है काला चावल, चाक हाउ। तो चाक हाउ चावल है मणिपुर का, उसे जीआई टैग मिला है और फ्रेंड्स ये चिपचिपा चावल होता है ब्लैक रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल हैंडलूम को जीआई टैग मिला है? तो तेलिया रुमाल हैंडलूम जो है वो है तेलंगाना का। तो फ्रेंड याद रखिएगा कि तेलंगाना का जो प्रोडक्ट है तेलिया रुमाल हैंडलूम, उसको जीआई प्रोडक्ट मिला है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की खोराई खोरवार पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो फ्रेंड्स ये मिला है झारखंड की पेंटिंग है सुहराई खोरवार, उसको जीआई टैग मिला है जो झारखंड की पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कोविल पट्टी कडलाई मिठाई को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स जो ये कोविल पट्टी कडलाई मिठाई है वो है तमिलनाडु की और इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रकार के कश्मीरी केसर को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? अब फ्रेंड्स आपको ये तो पता है कि जीआई टैग कश्मीरी केसर को हाल ही में मिला है, अब वो कौन से टाइप के कश्मीरी केसर है, कौन सा प्रकार का कश्मीरी केसर है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ये सभी। तो चाहे वो लच्छा है, चाहे वो मोगरा है, चाहे वो गुच्छी है, तीनों इंक्लूडेड है कश्मीरी केसर में जिसे जीआई टैग मिला है। अब फ्रेंड्स ये जो कश्मीरी केसर है वो निकलता है सेफ्रॉन कोकस फ्लावर से, ये है सेफ्रॉन कोकस फ्लावर और इसके स्टिग्मा से निकलता है, ये जो स्टिग्मा आपने निकल है इससे निकलता है। अब इन सब में डिफरेंस क्या है? तो फ्रेंड्स ये जो लच्छा है इनकी प्रोसेसिंग में डिफरेंस है। अभी जो लच्छा है इसको सीधे ये स्टिग्मा निकाल के थोड़ा सुखा के और इसे यूज कर लिया जाता है, उसके बाद मोगरा जो होता है उसमें सन ड्राई किया जाता है और उसके बाद ट्रेडिशनली प्रोसेसिंग करके तब इसे स्टोर किया जाता है। और फ्रेंड्स ये गुच्छी होता है, इसमें क्या होता है ये सारे स्टिग्मा जो होते हैं इनको सुखा के आपस में बांध दिया जाता है और गुच्छा बना दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंस इसमें होता है और इन तीनों को ही कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला है रिसेंटली। थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू लाइक माय चैनल।
हेलो।